असलम नाजरी, मेरा नाम रिजवान शाह है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान शाह फिलो। आ तो नाजरी आप देख रहे हैं, आप मुझको एक जनाब बहुत बड़े क्राउड में, और ये करोड़ा जनाब क्राउडा स्टोर है फलस्तीन के हक में, फलस्तीन पर ढाई जाने मेरे जुल्म और बरबरीत के खिलाफ। तो आज के दिन की जो है जनाब इंतजामिया की तरफ से, जो यहाँ की ये कोई गवर्नमेंट इंतजामिया की तरफ से नहीं, बल्कि जो यहाँ की जो तनजीमें हैं, जो तंजीम फलाई तंजीम है, उन तंजीमों की इंतजामिया की तरफ से आज के दिन के लिए जनाब एक कॉल थी इस प्रोटेस्ट के लिए इतवार को, कि जनाब सब जो तुर्की भाई हैं और फलस्तीनी भाइयों के आज़ादी के हक के लिए आज के दिन पर जनाब एक मुकाम पर जमा होंगे, और वहां से जनाब एक जो रैली है वो बहुत बड़ी तादाद में वो मार्च करेगी जनाब एक मुकाम तक, एक मखसूस मुकाम तक। तो उस जनाब आज की इस रैली में, आज की इस प्रोटेस्ट में अपने फलस्तीनी भाइयों के हक में जो निकाली जा रही है, मैं अपनी फैमिली को लेकर जनाब आया हूँ आज के दिन का। जनाब हमें शिद्दत से इंतजार था कि जाएंगे, जहाँ तक जो हमारे बस में है जनाब वो हम अपने भाइयों के लिए करेंगे। तो हमारे बस में तो जनाब यही है कि हम हमारे मुंह में एक जबान है और जज्बात जो अल्लाह पाक ने बख्शे हैं जनाब उन्हीं का इजहार जो है वो हम दुनिया के सामने करेंगे, और अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए जो उनका हक है जो जनाब मांगेंगे। तो आप जनाब देख सकते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं ये जनाब बिल्कुल भी जो है वो तवक्को नहीं कर रहा कि आज के दिन पे इतना ज़्यादा क्राउड जो है वो निकलेगा। उसकी वजह यह है कि मैं इस तुर्किश कौम की तरफ से बहुत ज़्यादा मायूस है इनके रवैयों की वजह से, कि ये लोग जो है बहुत ठंडे लोग हैं जनाब किसी के हक में खड़े होने के लिए। ये जो जो हम जो बातें सुनते हैं कि जनाब तुर्कों ने ये कर दी वो कर दी, वो पुराने जमाने की बातें थी जब ये जनाब किसी के हक के लिए गर्दने काट दिया करते थे और कटवा लिया करते थे। लेकिन आज के इस दौर में जनाब जो है एक बेगैरती का और भलगैरी का जो लिबादा है वो इन्होंने ओढ़ लिया है, और जो इनके अंदर जो गैरत का एक नूर किसी जमाने में पाया जाता था वो आजकल नहीं है जनाब। देखने को जनाब कहने को ये जनाब मेरी जो एक नाकस अंदाजा है उसके मुताबिक जनाब ये 50 से 60 हज़ार जो बंदा है तो इस प्रोटेस्ट में जो है वो हिस्सा ले रहा है। क्या मर्द क्या खवातीन, मर्दों की तो कुछ ना पूछे जनाब, आप औरतें जनाब जो यहाँ पे जिस बड़ी तादाद में आई हैं और जिस जनाब एक्साइटमेंट के साथ, जिस जनाब जज्बे और जुनून के साथ जो इस प्रोटेस्ट में जो खवातीन हिस्सा ले रही हैं, मैं जनाब वो काबिल दीद है, मैं देख कर मैं हैरान हो गया। लेकिन जनाब यहाँ पे जो दिलचस्पी की नहीं, जो बदकिस्मती की बात वही है कि इस क्राउड में, इन हज़ारों के मजमे के अंदर जनाब आप जनाब देखेंगे कि इसमें वो तबका नहीं है जो कि जनाब तुर्की का 80% तबका है। 80% तबका यहाँ पे कौन सा है, 80% बल्कि ज़्यादा है, वो है जनाब यहाँ का लिबरल और सेकुलर तबका, तबका जनाब जो कि जमहूरियत पे और 1923 के बाद वाली जमहूरियत के ऊपर जनाब वो बिलीव रखते हैं, और जिनके जनाब सर नंगे होते हैं, और जो वो तकरीबन 80% जो 70 से 80% जो बेलिबास रहती हैं। तो उनमें से जनाब आप एक भी कोई खातून या कोई मर्द जनाब इस प्रोटेस्ट में देखेंगे। जितने जनाब मेरे इर्द गिर्द हज़ारों का मजमा है उनमें सिर्फ वही लोग हैं जो जनाब दीन और इस्लाम के और हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद के हवाले से जनाब बहुत करीब समझे जाते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर तादाद वही है जिनके वो खवातीन हैं जनाब जिनके सरों पर वो हिजाब है, और मर्द वो हैं जनाब जिनके चेहरों पर कुछ दाढ़ियाँ हैं, और जिनके जिनका जनाब वाबस्तगी है दीन इस्लाम से और हुकूमत से और हुकूमत इबाद से। तो इनमें जनाब 100% वही लोग हैं, और जो तबका है जनाब लिबरल और सेकुलर तबका वो आज संडे की छुट्टियाँ तो मामूल के मुताबिक यूजली वो अभी तक जनाब सो रहा है घरों पर गर्म गर्म बिस्तरों पर, और जिनको फिक्र है और जिनको जनाब वो दर्द है अपने जनाब मुसलमान भाइयों पे ढाई जाने पर जुल्म का, उनके साथ होने वाले ज़्यादतियों का, तो छोटे छोटे मासूम बच्चों के कटने का, तो वो जनाब आपके सामने सड़कों के ऊपर हैं एहतजाज कर रहे हैं उनके हक के लिए, वो नहीं परवाह कर रहे सर्दी की। हालांकि ये आज के दिन बहुत ज़्यादा सर्दी है जनाब, और एक और बात आपको बता दूँ कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने भी जनाब अपनी सरपरस्ती जो है वो इन मामला से उठा लिया है। गवर्नमेंट की वो इतनी मेहरबानी है कि उन्होंने जनाब इस प्रोटेस्ट के लिए लोगों को रास्ता दे दिया है,
सिक्योरिटी दे दी है, बस इतना ही। वो यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे जो महकमा ज़रात से रखने वाले लोग हैं, तल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो ईदगिर्द बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जनाब, अनफॉर्चुनेटली ज़माने में कहा जाता था जी जनाब, वो बहुत सींग फंसाते हैं कुफर की दुनिया से, मगरब वालों से, लेकिन आज जनाब उन्होंने अपने सींग जो है वो काट लिए हैं। जब से ये 2 से 3 महीने से जनाब ये बर्बरीत जो फलस्तीन के ऊपर जारी है, तो उसकी वजह से जनाब जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने जनाब बेगैरती के सत्तू वो पी लिए हैं। उनकी तरफ से आप देख रहे हैं कोई आवाज़ नहीं है जनाब, कोई तकरीर नहीं है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। उसकी वजह ये है कि जनाब का आखिरी दौर चल रहा है, उनको पता है कि आज के बाद जनाब जो है वो मैं कुछ बन नहीं सकता इकतदार की मसनत पे। मैं आज के इन 4 सालों के बाद जो जब ये उनका ये टेन्योर पूरा का वो दोबारा नहीं बैठ सकते, ये आखिरी 4 साल हैं। तो उन्होंने ये सोच रखा है कि मुझे क्या ज़रूरत है मुखालफतें मूल लेने की लोगों से जनाब, ताकतवर लोगों से, ताबूती ताकतों से जनाब पंजा सफाई करने की, सुकून से जो ये 3 साल 3.5 साल जो रह गए वो गुजारो, पैसा अगर नहीं भी समेटना चलो इज्जत से जनाब अपने घर चला जाऊंगा। उसके बाद ना तो कोई पार्टी रहेगी, ना कोई पार्टी की सरबराही रहेगी, ना ये रिटायरमेंट है, और उसके बाद जनाब आराम ही आराम है। लेकिन जनाब उससे पहले इस टर्म से पहले इस जब ये आज से 6 महीने पहले सदर बने हैं, तो इससे पहले तक आप सुनते थे कि वो हर वक्त खबरों में रहते थे जी कि उमते मुसलमा का अजीम लीडर, लेकिन वो जनाब अजीम लीडरशिप है जो है वो जनाब उनके उनके घर की खिड़की से ऐसी निकली है कि जनाब वो लिहाफ लेकर जो ओढ़कर वो सो चुके हैं। अब जनाब उनको कोई परवाह नहीं, उनको पता है कि अब मुझे लोगों को हुआ है जो वो उल्लू बनाने की वो ज़रूरत नहीं है, मैंने कौन सा बनना है। तो लिहाजा भाई तो इन जो अब हम जो तवक्को लगाते हैं अपने इन लीडरान से, अपनी हुकूमत से, भाई ये तवक्को ये जनाब जो है ये उम्मीदें इनसे लगानी छोड़ दें। अगर आपको दर्द है हुकूमत का, इस कौम का, अपने मजलूम भाइयों का, तो भाई अपने बाजों में खुद ताकत करनी पैदा करनी पड़ेगी, और वो ताकत पैदा होगी आपकी यूनिटी से, आपके इकट्ठे होने से जनाब, आपका जनाब इकट्ठे होकर नारा बुलंद करने से, इस या आपके जनाब खुद जद्दोजहद वो फिजिकल जद्दोजहद वो मुसल्ला जद्दोजहद या जिस किस्म की आपने खुद ही करना है भाई। गवर्नमेंट जो है ये इनके मुफादात होते हैं, जब इनके मुफादात पूरे हो जाते हैं तो जनाब ये आवाम हो या इनके और के जनाब वो संगी साथी हों, वो उनको किसी टिश्यू पेपर के इस्तेमाल की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। तो ये जिम्मेदारी जनाब हमारे अपने कंधों पर, ये गठरी हमने जो है ये इसका बोझ है वो खुद ही उठाना है। तो आप देख सकते हैं जनाब ये लोग, ये तबका, ये टोटल ये इस्लामिक तबका जनाब जो है सिर्फ यही निकला हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देख सकते हैं जनाब ये क्राउड, ये हज़ारों का क्राउड जनाब, तो इससे पहले भी मैं जनाब ऐसे जो एहतजाजों में रैली में निकला हूँ तो वो बहुत महदूद थी, तो इस दफ़ा की जनाब जो कॉल है वो बहुत बड़ी कॉल है। हर हफ्ते जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जाता है, इससे पहले जनाब आज से 2 हफ्ते पहले भी एक रैली निकली थी जो एक मुकाम से शुरू हुई थी और वो गई थी जनाब अमेरिका की एम्बेसी तक, वहाँ जाके उन्होंने जनाब एहतजाज किया था, वहाँ जाके जनाब तकरीरें हुई थी जनाब फलस्तीन के हक में। तो आज की जो रैली है जो जिस मुकाम से मैं वहाँ से, या ये कहाँ तक जाएगी मुझे ये तो मालूम नहीं, मैंने नहीं पूछा। अगर ये अमेरिकन एम्बेसी तक भी जाएगी तो इंशाल्लाह जनाब अमेरिकन एम्बेसी तक जनाब ये मार्च करेंगे। अमेरिकन एम्बेसी जो है इस मुकाम से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर बनती है, तो मौसम भी काफ़ी ख़राब है जनाब, बारिश का भी इम्कान है और लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों का जो जज्बा है वो काफ़ी दूर है। तो जनाब आज इस कवरेज में इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो दिखाता रहूँगा आज की ये मनाजर, आज की ये जनाब जज्बाती मनाजर। लोग जनाब यहाँ पे लोगों ने फ़लस्तीन के झंडे उठा रखे हैं और उसके साथ साथ जो फ़लस्तीन का जो ट्रेडिशनल रुमाल है तो वो लोगों ने जनाब बांधे हुए मेरे समेत, आप देख सकते हैं कि मेरे भी गले में है जो फलस्तीन का ट्रेडिशनल रुमाल है। तो यहाँ की खवातीन ने भी जनाब ऐसे रुमाल अपने गले में कंधों पर जनाब डाल रखे हैं, मर्दों ने भी डाल रखे हैं, और फलस्तीन के झंडे और तुर्की के झंडे जनाब हर एक के पास मौजूद हैं। तो नारेबाजी जारी है, जज्बात का जो मुजाहरा है वो किया जा रहा है, इसराइल को जो है वो जी भर के जो बदवाएँ और वो गालियाँ वो भी दी जा रही हैं। तो बतौर उम्मत और बतौर नेशन वो हर एक, वो चाहे तुर्की के हो या दूसरे दीगर मुस्लिम ममालिक, पाकिस्तान हो या जनाब
जितनी दुनिया की मुस्लिम ममालिक हैं उनको जनाब ये जिम्मेदारी है, वो जनाब जहाँ तक हो सके जितना हो सके अपनी तादाद और अपनी तौफीक के मुताबिक वो फलस्तीनियों के हक में जनाब अपनी जो आवाज़ है वो उठाएँ, अपना किरदार अदा करें। तो अल्लाह पाक हम सब का जनाब हमें नसर हो। तो मैं जनाब इसको अभी कंटिन्यू करूँगा इस प्रोटेस्ट को। तो आपसे जनाब दुआओं की अपील है और आपके वक्त की, आपके माल की भी अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए जनाब वो ज़रूरत है। तो सियासी भगान जहाँ हम उनको वो हम उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए हम जो सरकर्दार हैं, तो वहाँ उसके साथ साथ जनाब हर मामले के साथ साथ हम अगर अपने फलस्तीनी भाइयों को भूल जाएँ, उनके हक़ को भूल जाएँ, तो जनाब ये क़यामत के दिन हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। तो जनाब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।